हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम एक स्याही से पत्ते को नाव की तरह चलाने वाले हैं। हाँ गाइस, पत्ते पर हम स्याही लगाकर आपको नाव की तरह चलाने वाला एक्सपेरिमेंट आज दिखाने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और एक्सपेरिमेंटल भी है, जिसको कोई भी आसानी से कर सकता है। आप चाहे तो इसे घर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आउटडोर अगर आपके पास किसी जगह जहां पानी इकट्ठे हो वहां पे भी इसे आप यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए सिंपली, आप गाइस देख रहे हो मेरे हाथ में ये अलग अलग तरीके के लीव्स है, तो आप किसी भी पेड़ के पत्ते से इस नाव को बना सकते हो। तो गाइस आपके पास एक लीफ होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए जिसका हम ये रिफिल निकालेंगे, जिससे हम इसके स्याही को निकालेंगे। और हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अलग भी करना चाह रहे हैं, क्या ये पत्ते के अलावा भी किसी चीज पे चल सकती है, ये नाव की तरह चल सकती है, जिसके लिए हमने ये मैच स्टिक का जो बॉक्स है उसको यूज करेंगे कि अगर हम स्याही को अगर पत्ते पे चला रहे हैं वो बोट की तरह चल रही है तो क्या ये भी चलेगा। तो गाइज हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ये जो भी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं क्या ये सक्सेस होगा। तो लेट्स डू इट गाइज। गाइज मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में है ये पेन और हमारे पास ये हमारे अलग अलग तरीके के लीव्स भी हैं। तो जस्ट हम इससे अपना लीव को, मैंने बताया था कि आपको पॉइंट पे यूज करना है लीव में इस इंक को। अब हम इस इंक को यहाँ पर लगाएंगे इसके कॉर्नर पे और फिर हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज तुरंत। तो गाइज आप देख रहे हो ये बोट हमारा इतने इंटरेस्टिंग तरीके से जा रहा है, जैसे बोट के पीछे से भी इस तरीके से आप देखते हो कि फ्यूल छोड़ता रहता है और एक लाइन बनती हुई जाती है, एकदम वही लुक होकर जा रहा है गाइज, देख रहे हो क्रिएटिव। और हमारा बोट कंटिन्यूसली आगे की तरफ जाता जा रहा है और डिजाइन भी बनते जा रही है और ये काफी आगे जा रहा है। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देख भी रहे हो इसे, जब भी आप अपने घर पे ट्राई करो तो बहुत ही इंटरटेनमेंट आपको फील होगा और एक्सपेरिमेंटल भी होगा। बच्चों के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हो, बड़े के साथ ट्राई कर सकते हो और पूरा इंटरटेनमेंट और एक्सपेरिमेंटल व्यू का आप उसका पूरा एडवांटेज उठा सकते हो। अभी भी देख रहे हो आपकी ये वीडियोस में हमारा ये लीफ पूरा अभी भी टर्न कर रहा है, ठीक है। जब तक ये इंक की लास्ट पिन तक वर्क नहीं करता तब तक ये डिजाइन भी क्रिएट कर रहा है और ये देख रहे हो बोर्ड के पूरे सीन भी क्रिएट कर रहा है। गाइज आप देख रहे हो अभी हम ये लीफ के अलावा भी हमने बोला था कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो मैच बॉक्स पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन आपको सीन दिख रहा होगा गाइज। वाओ, ये देख रहे हो आप कितना झिकझक की तरह, ये कितना इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिएट हो रहा है इसका। और इसमें जो सीन क्रिएट हो रहा है गाइज उसको आप ध्यान से देखो, क्रिएटिव एकदम। आप अगर बोलोगे कि आर्टिस्टिक बंदों के लिए भी है, कितना क्रिएटिव, अगर एक पेंटिंग बनानी होती इस तरीके से तो अगर हम पैचेस लगाना होता तो हम यूज कर लेते।
तो गाइज आप देख रहे हो कि लास्ट में हमने इस इंक के रिफिल को भी यूज कर लिया उस पर्पज से और ये भी उस तरीके से ही जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसका इंक तो हमने पूरा यूज कर लिया है इसलिए ये थोड़ी ही दूर तक है। तो गाइज मुझे पूरा यकीन है आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा। हमारा वीडियो और हमारा एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल रहा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए गाइज तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल। जय हिंद जय भारत।